हेलो दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद अकमल, यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनानी टोंक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ तहफुज़ी व समाजी और मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज हम बात करेंगे हिजामा के ताल्लुक से, जो कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही मशहूर तरीका इलाज आम तौर पर राइज हो रहा है और बहुत सारे लोग हिजामा करा रहे हैं और बहुत सारे लोग हिजामा कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। लेकिन इस दौरान चंद सवालात हैं जिनके जवाब हमें जानना ज़रूरी है और जो बहुत कॉमनली इस हिजामा के तरीके इलाज के जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे इसको आम तौर पर लोग कराना शुरू कर रहे हैं, कुछ सवालात जो हैं उनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं और दूसरी बात जो गलत तरीके से हिजामा किया जा रहा है उनसे बचा जा सके। इसमें पहला सवाल है कि हिजामा क्या है, असल में हिजामा है क्या। नंबर दो, क्या हिजामा सुन्नत है। नंबर तीन सवाल, क्या हिजामा से सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। नंबर चार, हिजामा कब कराना चाहिए, यानी ऐसे वो कौन से हालात हैं जब जब हम हिजामा करा सकते हैं। और नंबर पाँच, हिजामा किससे कराना चाहिए, यानी कौन वो लोग हैं जो हिजामा के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला सवाल कि हिजामा क्या है, तो इसका बहुत आसान लफ्ज़ों में जवाब ये है कि हिजामा यूनानी तरीका इलाज, यानी कि यूनानी मेडिसिन में जो अलग अलग तरीका इलाज अपनाए जाते हैं इलाज करने के, जिसमें इलाज बिल दवा, इलाज बिल गज़ा, इलाज बिल तदबीर, यानी कि तदबीर करके रेजिमिनल थेरेपी के ज़रिए से अलग अलग रेजिम अप्लाई करके, और इलाज बिल यद यानी कि सर्जरी के ज़रिए से। तो हिजामा जो है इलाज भी तदबीर, जो हम रेजिमेंटल थेरेपी या रेजिमेंटल थेरेपी कहते हैं जिसको, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के रेजिम हैं, यानी कि भाप से इलाज करना, मसाज के ज़रिए से इलाज करना, हिजामा के ज़रिए से इलाज करना और दूसरे तरीके इलाज इसमें हैं, लीचिंग के ज़रिए इलाज करना, तमाम के तमाम ऐसे इलाज हैं जो इलाज भी तदबीर में आते हैं यूनानी मेडिसिन में। तो हिजामा इलाज व तदबीर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, यानी कि हिजामा यूनानी तरीका इलाज का एक इलाज है। अब सवाल नंबर दो, क्या हिजामा सुन्नत है। तो इसका जवाब हमें बहुत आसानी से और बहुत सिंपल वे में ये है कि हिजामा इलाज सुन्नत है, हिजामा सुन्नत नहीं है, यानी कि सिर्फ हिजामा सुन्नत नहीं है बल्कि हिजामा इलाज सुन्नत है। अब इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि हिजामा आजकल हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हिजामा कराने के लिए और जो हमसे कहते हैं वॉलेंटरीली खुद आते हैं और कहते हैं कि तब हमारा हिजामा कर दीजिए। जब हमसे सवाल पूछते हैं कि हिजामा आप क्यों कराना चाहते हैं, वो कहते हैं सुन्नत है। तो ये चूंकि बहुत आम फहम हो गया है कि कुछ बीमारी है या नहीं है, वो आ जाते हैं और ये कहते हैं कि सुन्नत है इसलिए हिजामा कर दीजिए, इससे कोई नुकसान तो नहीं, फायदा ही होंगे, बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। तो जो मैंने ये बात कही है कि हिजामा इलाज सुन्नत है, हिजामा सुन्नत नहीं है, इसका मतलब ये है कि इलाज बीमारी का होता है, तो इसलिए हिजामा भी बीमारी में कराना है। अल्लाह के नबी ने, जिनको हम सुन्नत के तौर पर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हिजामा कराया है, वो भी बीमारी की हालत में ही कराया है, सर का दर्द था उनको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया, तो बीमारी की हालत में कराया। ऐसे ही नहीं कि किसी भी कोई बीमारी नहीं है फिर भी हिजामा करा के खून निकाल दो, खराब खून निकल जाएगा और अंदरूनी बीमारियां निकल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आजकल आम हो रही हैं। तो हिजामा इलाज सुन्नत है और इलाज बीमारी का होता है, तो बीमारी की हालत में ही हमें हिजामा कराना चाहिए। अब दूसरा, इसी में एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम प्रिवेंटिव तौर पर, यानी कि बीमारियों से बचने के लिए भी हिजामा करा सकते हैं। तो हाँ, इसका जवाब ये है कि आप बीमारियों से बचने के लिए भी हिजामा करा सकते हैं, यानी कि जब आप सेहत की हालत में हैं, हेल्दी हैं, तब भी हिजामा करा सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, हर एक इंसान हिजामा नहीं करा सकता, बल्कि आप एक्सपर्ट की राय लें पहली चीज़। दूसरी, हिजामा उन लोगों को कराना चाहिए जब वो हेल्दी हों या सेहत की हालत में हों जिनमें बीमारी होने का ख़तरा हो, यानी कि जो लोग गर्म मौसम आने पर या किसी खास गिज़ा के खाने पर या किसी खास सीज़न में खून की खराबी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित होते हैं या उनको खून से ख़राब होने वाली बीमारियाँ जैसे पिम्पल्स हैं, अर्टिकेरिया है, खुजली वाली बीमारी है, या चमड़ी की कोई बीमारी हो जाया करती है जिनमें खून की खराबी से होने वाली बीमारियां, अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो एक्सपर्ट से राय लेकर
वो लोग हिजामा करा सकते हैं बीमारियों से बचने के लिए, जिनको खून की खराबी से होने वाली बीमारियों का खतरा रहता है। तो हर एक को सेहत की हालत में हिजामा नहीं कराना है, बल्कि वो लोग जिनको बीमारी होने का खतरा रहता है खून की खराबी से, वो लोग हिजामा करा सकते हैं। तो हिजामा इलाज सुन्नत है, सिर्फ हिजामा सुन्नत नहीं है। अगर ऐसा होता, मैं इसके सपोर्ट में एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ कि अगर सिर्फ हिजामा ही सुन्नत होता और अल्लाह के नबी ने कराया इसलिए कराना सुन्नत होता, तो सहाबा की जितने सहाबा अल्लाह के नबी के ज़माने में मौजूद थे, जितने लोग मौजूद थे सहाबा इकराम, वो सारे के सारे हिजामा कराए हुए होते। एक बार तो कराया ही लिया होता उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं मिलता हमें हदीस में, हमें इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि तमाम सहाबा ने हिजामा कराया। और अल्लाह के नबी ने भी एक या दो बार या चंद बार ही हिजामा कराए, वो बीमारी की हालत में। तो सहाबा की जिंदगी में बहुत ज़्यादा हिजामा का चलन नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि हिजामा सिर्फ बीमारियों में ही कराना चाहिए। तीसरा सवाल कि क्या हिजामा सभी बीमारियों का इलाज है? ये भी एक मिथ है, और लोगों जो लोग इस बात को कहते हैं वो या तो हदीस को मिस कोट करते हैं, या हदीस का मफहूम सही तरह समझे नहीं है, या गलत फहमी फैलाते हैं। बल्कि हिजामा उन बीमारियों का इलाज है जो खून की खराबी की वजह से हुआ करती हैं, या अखलात, जो तिब यूनानी में अखलात का कॉन्सेप्ट है, अखलात की खराबी की वजह से उन बीमारियों का इलाज है। इसमें बहुत सारी स्किन की बीमारियाँ आती हैं, बहुत सारे सर के अमराज हैं, हेडेक है, इंसोम्निया यानी कि नींद कम आने की बीमारी है, सर दर्द की बीमारी है, जोड़ों के दर्द यानी कि सर्वाइकल का पेन है, या लोअर बैक पेन, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, या दूसरी जगह पर जो जोड़ों का दर्द होता है, उन तमाम बीमारियों में माइग्रेन है, इनमें ऐसी बीमारियाँ। लेकिन ये बीमारियाँ स्पेसिफिक हैं, जिन बीमारियों के अंदर अतिबा ने या यूनानी फिजिशियंस ने हिजामा कराने को इंडिकेट किया या हिजामा कराने की ताकीद की है या हिजामा इलाज बताया, उन्हीं बीमारियों के अंदर हमें हिजामा कराना चाहिए। तो हिजामा से तमाम बीमारियों का इलाज नहीं होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें इलाज हिजामा के जरिए इलाज किया जाता है, लेकिन तमाम बीमारियों का इलाज हिजामा है ये बिल्कुल गलत बात है और एक मिथ है जो लोगों ने फैलाया हुआ है, और नॉन एक्सपर्ट लोग हैं खासतौर पर वो इस मिथ को फैलाते हैं सिर्फ पैसा कमाने की गर्ज से शायद। चौथा सवाल कि हिजामा कब कराना चाहिए? जो पिछली बातें हमने कही हैं उससे ये बात तकरीबन क्लियर हो जाती है कि हिजामा हमें कब कराना चाहिए। बीमारी की हालत में, वो बीमारियां जिनका हमने तस्करा किया उन हालत में हम हिजामा करा सकते हैं। दूसरा, बीमारियों से बचने के लिए भी हिजामा कराया जा सकता है, लेकिन ये सभी लोगों पर अप्लाई नहीं होता, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक्सपर्ट से राय लें कि हमें ये इस तरह की बीमारियां इस खास मौसम में या इन चीज़ों को खाने के बाद अक्सर हो जाया करती हैं, तो क्या हम सेहत की हालत में भी हिजामा करा सकते हैं? अगर आपको एक्सपर्ट उसकी राय देते हैं तो आप हिजामा कराइए, और अगर एक्सपर्ट आपको मना करता तो आप हिजामा नहीं कराइए। तो इसका मतलब ये है कि हिजामा प्रिवेंटिव तौर पर भी कराया जा सकता है, यानी कि सेहत की हालत में भी कराया जा सकता है और बीमारी की हालत में भी कराया जा सकता है, लेकिन सेहत की हालत में हमें एक्सपर्ट की राय लेकर ही हिजामा कराना चाहिए। पांचवा और आखिरी सवाल कि हिजामा किससे कराना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आम लोगों को अगर हम बात करें तो किसी भी फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, कंप्यूटर ठीक, जो कंप्यूटर ठीक करते हैं उसका एक एक्सपर्ट होता है, इवन जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं उसका एक एक्सपर्ट होता है, जो हमारे ये क्या कहते हैं घर के जो इवन आयरन और हमारा जो नल है वो जो ठीक करते हैं उसका भी एक्सपर्ट होता है। हर एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता, वैसे ही हिजामा का भी एक एक्सपर्ट होता है, हर एक इंसान ये हिजामा नहीं कर सकता, उससे कराना भी नहीं चाहिए। एक्सपर्ट कौन है? चूंकि ये यूनानी तरीका इलाज का एक पार्ट है, तो इसलिए वो लोग जो BUMS किए हुए हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, यूनानी की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उसमें ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MD किए हुए हैं, उनसे ही हमें हिजामा कराना चाहिए। और इसके अलावा दूसरे लोगों से हिजामा हमें नहीं कराना चाहिए जो इसके एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हिजामा सिर्फ खराब खून निकालने का नाम नहीं है। हिजामा एक फन है और इसको एक्सपर्ट से ही कराना जरूरी है। इसकी बुनियादी चीज़ें, इसकी बेसिक चीज़ के हिजामा कब करना है, कितना खून का इखराज करना है, कितना खून निकालना है, और किस बीमारी में किस पॉइंट से खून निकालना है, ये एक एक्सपर्ट ही जान सकता है। और अगर खून निकालने के दौरान कुछ खराबियाँ आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं मरीज को, तो उस हालात में क्या करना है, ये एक एक्सपर्ट ही जान सकता है। या खून की खराबी कैसे मालूम होती है, ये एक एक्सपर्ट ही जान सकता है। कि सिर्फ ये कह देना कि खून गाढ़ा निकल रहा है या खून ब्लैक निकल रहा है, जो अक्सर आप वीडियोस में देखेंगे कि लोग इसको कहते हैं मजाक, देखिए कितना ब्लैक खून निकल रहा है, गाढ़ा खून निकल रहा है और थक्का जम गया है, खून जमता ही,
खून जिस्म से आने के बाद बाहर निकलने के बाद उसका उसमें क्लॉटिंग होती है, वो सबका ही जमेगा, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं जमेगा, और ब्लैक है और इस तरह कलर में बहुत सारी चीज़ें में फैलाई हुई हैं। तो खून कहाँ से निकालना है, किस बीमारी में कहाँ हिजामा लगाना, ये एक्सपर्ट जानता है। इसलिए मेरी राय ये है कि आप जब भी हिजामा कराएं किसी एक्सपर्ट से कराएं, और नॉन एक्सपर्ट से, यानी जो लोग यूनानी फिजिशियन नहीं है या यूनानी फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनसे हिजामा नहीं कराना चाहिए। तो ऑल एंड ऑल जहाँ तक हिजामा और उससे रिलेटेड सवाल का ताल्लुक है, उससे के बारे में मालूम का ताल्लुक है, जो चंद सवाल हैं जो उनका जवाब ज़रूरी था, मैंने बताया उनमें कि पहली हिजामा क्या है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल कि हिजामा सुन्नत है या नहीं है, तो हिजामा मैंने बताया कि इलाज सुन्नत है, सिर्फ हिजामा सुन्नत नहीं है, और इसीलिए अल्लाह के नबी के ज़माने से पहले भी हिजामा होता था, अल्लाह ताला ने इसको पसंद किया और अल्लाह के नबी को ताकीद की कि आप हिजामा कराइए और लोगों को हिजामा की ताकीद कीजिए, क्योंकि ये इलाज अच्छा है। सिर्फ अल्लाह के नबी के ज़माने में शुरू नहीं हुआ ये, बल्कि अल्लाह के नबी से के ज़माने में बहुत सारे तरह का इलाज चलते थे, जिसमें कॉटराइजेशन है, जिसको अमल कई कहते हैं, और हदीस में से कहता भी है इसका कि आप हिजामा कराइए, और उसमें उन्हीं हदीस में इस बात का जिक्र है कि मैं अमल कई से अपनी उम्मत को रोकता हूँ कि अमल कई नहीं कराएँ। लेकिन वो उस ज़माने में वो भी जो कॉटराइजेशन था या दागना गर्म धातु के ज़रिए, वो भी इलाज हुआ करता था, लेकिन उसको ममनू किया, उसको मना किया कि ऐसा नहीं, मतलब मैं अपनी उम्र को रोकता हूँ। तो उस ज़माने में बहुत सारे तरीके इलाज थे, उन तमाम तरीके इलाज में अल्लाह ने ताकीद की फरिश्तों के ज़रिए से कि आप किस इलाज को अपनाएं ये बेहतर है। उसी ज़माने में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि उससे पहले भी होता था, लेकिन चूँकि तरीका इलाज अच्छा था इसलिए अल्लाह ने जो ताकीद की गई। और क्या सभी बीमारियों का इलाज है, जो मैंने इसके बारे में और वजाहत कर दी कि सभी बीमारियों का इलाज नहीं है हिजामा, बल्कि स्पेसिफिक बीमारियां हैं। आप जाएं एक्सपर्ट के पास अपनी बीमारी को लेकर, अगर उसमें ज़रूरी हो तो आप वो आपका हिजामा करें, और अगर ज़रूरी नहीं हो तो वो हिजामा नहीं करेगा, आप उसको ज़बरदस्ती हिजामा या खून का अखराज नहीं कराएं। और उन लोगों के पास ना जाएं जो हर बात में हिजामा करने के लिए बैठे हैं कि हर मर्ज़ का इलाज हिजामा है, तो ऐसा हदीस में इस नहीं है कि हर मर्ज़ का इलाज हिजामा, बल्कि स्पेसिफिक बीमारियों का इलाज है, एक्सपर्ट के पास जाके उससे इस बारे में मालूम करें। और जो लोग इस मिथ को फैला रहे हैं कि हिजामा से आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, वो सही बात आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि गलत फहमी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। एक सवाल के कब कराना चाहिए, इसके बारे में वजाहत कर चुका हूँ कि हिजामा हमें बीमारी की हालत में भी करा सकते हैं और सेहत की हालत में, हेल्थी हालत में भी करा सकते हैं, लेकिन हेल्थ की हालत में हम एक्सपर्ट के ज़ेर निगरानी ही करेंगे हिजामा, तमाम बीमारियों के लिए नहीं करेंगे, हर बीमारी के लिए हिजामा नहीं कराएंगे। बल्कि एक्सपर्ट अगर हमें कहेगा कि हाँ आपको अगर इस तरह की बीमारियां हो जाया करती हैं तो इनसे बचने के लिए आप हिजामा कर लें, एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करें अपनी मर्जी से, या किसी के कहने पर, नॉन एक्सपर्ट के कहने पर हिजामा हर बात के लिए हिजामा नहीं कराएं। और आखिरी सवाल कि हिजामा किससे कराना चाहिए, तो ये बहुत सिंपल है कि हर काम का एक माहिर होता है और हर काम के एक एलिजिबल बंदा होता है, हर काम के लिए किसी तरह हिजामा के लिए भी वो लोग जो यूनानी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीएमएस किए हुए हैं या ग्रेजुएट हैं, बीएमएस यूनानी ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से हिजामा कराना चाहिए। हर एक आदमी से हिजामा नहीं कराना चाहिए, अगर उनके पास ये डिग्री नहीं है, वो कहीं से भी सीखे हुए हैं, तो उनसे हिजामा नहीं कराना चाहिए, और बचना चाहिए तमाम बीमारियों और इस तरह के सिर्फ सुन्नत के नाम पर हिजामा करना या तमाम बीमारियों का इसमें इलाज है इसके लिए हिजामा करना, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि इससे और ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, इससे फ़ायदे की जगह नुकसान बहुत सारे सामने आ सकते हैं, और ये चीज़ें सामने आ भी रही हैं। तो मेरी राय ये है कि आप हिजामा को एक्सपर्ट के ज़ेरे निगरानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।